News 18, India. साफ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर है। ईडी के समन्स के बाद भी अभी तक पेश वो नहीं हुए। अब खबर ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन रांची में ही है। उधर हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से सोरेन की कार के साथ 36 लाख कैश बरामद किए गए हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड के डीजी को तलब कर लिया है। ये बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, कहीं जो कानून व्यवस्था है वो हाथ से बेहाथ ना हो जाए, इसीलिए अब राज्यपाल ने झारखंड के डीजी को तलब कर दिया। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, 36 लाख जो नोट बरामद किया गया है, जो धनराशि बरामद हुई है, ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार कल बीएमडब्ल्यू, आपको याद होगा कैसे, जो दिल्ली वाले आवास से थी, वहां पर जब्त किया गया था। सूत्र यही बता रहे थे कि ये जो कार खरीदी गई थी वो बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। अब 36 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए गए हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ईडी के रडार पर हेमंत सोरेन, एक बार समन्स मिलता है, दो बार मिलता है, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन इस जांच से बचते रहे हैं। अब तो वो कहां है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहा ये जा रहा है रांची में वो हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर वो है, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। कल का समय सीएम हाउस की तरफ से दिया गया है, ईडी के अधिकारियों को बाकायदा लेटर जारी किया गया और ये कहा गया है कि भाई 31 तारीख को पूछताछ में हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। ये तीन तस्वीर आपके सामने है, कल दिल्ली के आवास से बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो जब्त की गई, बड़े घंटे तक यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद रही, हेमंत सोरेन का तो कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ बीएमडब्ल्यू कार जो खड़ी थी वो यही कहा गया कि ये बेनामी संपत्ति से खरीदी गई है, उसे जब्त कर लिया गया। और अब घर से 36 लाख कैश जो बरामद हुआ है, ये उसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन का ये तो पता नहीं है, लेकिन 36 लाख घर से कैश बरामद हो गया, बीएमडब्ल्यू जब्त कर ली गई है। और अब क्या आज ईडी ढूंढ पाती है हेमंत सोरेन को, या फिर कल जैसा सीएम हाउस की तरफ से ये कहा गया है बाकायदा लेटर लिखकर, हालांकि आरोप भी लगाए गए हैं ईडी के ऊपर, लेकिन समय दिया गया है कि 31 तारीख को अब हेमंत सोरेन इस जांच में शामिल होंगे। ईडी जितने भी सवाल पूछना चाहे उसका जवाब कल हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख की बरामदगी तस्वीर उसकी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन अभी कहां हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लापता बताए जा रहे हेमंत सोरेन, और लगातार विपक्ष भी उनके ऊपर हमला कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि झारखंड के जो लोग हैं उनका सिर शर्म से इस वक्त झुक गया है। 4 साल पूरे कर चुके हैं हेमंत सोरेन, 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये 5वां साल क्या पूरा हो पाएगा, 5 साल सरकार टिक पाएगी क्या। हेमंत सोरेन लगातार मुश्किलों में, दिवाकर का रुख हम कर लेते हैं इस वक्त, वो जुड़े हुए। दिवाकर, पता तो नहीं चल पाया हेमंत सोरेन कहां है, लेकिन अपडेट इस पूरे मामले में क्या है आज का? देखिये, सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें यही जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वो अपने इस रांची स्थित आवास पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हेमंत सोरेन ने जो ईमेल किया है ईडी को, उसमें ये कहा है कि 31 जनवरी को आपको हम इसी आवास पर मिलेंगे, दोपहर 1 बजे आप लोग आ जाएं और आप हमसे पूछताछ करें। तो अब हेमंत सोरेन यही मिलेंगे और 31 तारीख का उन्होंने जो डेट दिया है, दोपहर 1 बजे का जो वक्त उन्होंने मांगा है, और उसमें बोला है कि आप खुद आइए हमारे आवास पर, हम पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है, एक बैठक गवर्नर हाउस में चल रही है जहां सीएस को बुलाया गया है यानी चीफ सेक्रेटरी को, और दूसरे जो है डीजीपी को बुलाया गया है जो पूरे ही लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ही प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी संवैधानिक संकट पैदा होती है उससे पहले गवर्नर जो है वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक ये कहीं ना कहीं संकेत करती है कि आगे की तैयारियां गवर्नर हाउस की तरफ से भी हो रही है। दूसरी बैठक हो रही है वो सर्किट हाउस में हो रही है, जहां सभी सत्ताधारी दल के विधायक मौजूद हैं, और अभी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर अहमद पहुंचे हैं और उनके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर पहुंचे हैं। तो ये संकेत करते हैं कि एक तरफ सत्ताधारी दलों की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ जो है गवर्नर हाउस में मीटिंग चल रही है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है या पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो आगे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जहां तक आपने कहा कि क्या हेमंत सोरेन ने 4 साल का कार्यकाल पूरा, 4 साल का अपना वक्त पूरा कर लिया है। एक हम वीर सिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है
तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान कहते हो, आप अपने आप को मजबूत कहते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब जब उनको जहाँ जहाँ बुलाया गया, SIT में बुलाया, ईडी ने बुलाया, CBI ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जाँच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया, वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा? ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते, कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बकायदा कह रहे हैं कि टेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है, उनको यदि यही बातें कहनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो, आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, DGP मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के DGP को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना लियो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं, वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है, अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया, लोग तरफ से घिरते हुए अब हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। दीपक बिष्ट इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस कार से 36 लाख कैश बरामद हुआ है, क्या वो BMW कार है या कोई और है? तो क्या उस कार से और भी दस्तावेज भी मिल पाए हैं क्या? क्या और जानकारी आपके पास?
देखिए, एक दिन पहले जिस तरह से ईडी की टीमें यहाँ पहुंची थी तो उस वक्त उनके ड्राइवर को खास तौर पर यहाँ पर लाया गया था और ड्राइवर की निशानदेही पर ही घर के अंदर सर्चिंग की गई थी और ड्राइवर को बतौर यहाँ पर गवाह के तौर पर उन्होंने रखा था और उसी के सामने सारी सर्चिंग की गई थी। देर रात को 36 लाख कैश की बरामदगी की गई थी ईडी के द्वारा और ये कहा गया कि एक BMW कार जो यहाँ पर थी उसे जब्त किया गया था, उसके बाद उसे यहाँ से ईडी ऑफिस ले आया गया। और ये 36 लाख रुपये कैश यहाँ पर कैसे पहुँचा, किसके जरिए पहुँचा, ये यहाँ पर जाँच जरूर यहाँ पर ईडी को करनी है। उसके अलावा ही ड्राइवर से भी ये पूछा गया था कि ये 36 लाख की जानकारी क्या उसे थी, क्या किसी ने यहाँ पर सुपुर्दगी की थी, कब आया था ये 36 लाख रुपया कैश, क्योंकि 3 दिन से सोरेन यहाँ पर दिल्ली में थे और ये कैश लेकर कौन लेकर आया था और किस मार्फत ये आया था। तो कैश के लिए इस वक्त सोरेन के लिए कैश भी काफ़ी मुसीबत पैदा करने वाला होगा, क्योंकि अब ईडी इस कैश को लेकर भी उनसे सवाल जवाब करेगी कि ये कैश उनके पास कहाँ से आया, कौन लेके आया था, उनकी गाड़ी में ही क्यों ये कैश की बरामदगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जो कैश अब तक बरामद हुआ है उस कैश को लेकर ईडी जो है हेमंत सोरेन से भी सवाल करेगी। वही सोरेन अब तक कहां पर हैं ये भी अभी भी सवाल बना हुआ है। बिल्कुल दीपक, 36 लाख अभी कैश बरामद हुए हैं, पूछताछ में संभावना है कुछ और पता चल जाए। क्या यही वजह है कि लुका छिपी का खेल ईडी के साथ खेल रहे हैं हेमंत सोरेन? लेकिन दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे, क्या 2 बजे पहुंच रहे हैं हेमंत सोरेन वहां? VIP मूवमेंट होता है, हम लोग काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं, यहाँ मीडिया की काफ़ी टीम यहाँ CM आवास के बाहर है और कोई भी VIP यहाँ से गुजरता है तो बस सबकी निगाहें वही टिक जाती है कि क्या CM हेमंत सोरेन यहाँ दाखिल हो रहे हैं अपने आवास में। ऐसे बताया जा रहा है कि CM हेमंत सोरेन झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अपने आवास पर मौजूद हैं या नहीं है इसकी पक्की जानकारी नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 2 बजे की जो सर्किट हाउस में बैठक है, विधायकों की बैठक होगी, तो क्या हेमंत सोरेन की पहली तस्वीर वहीं से मिलेगी? हेमंत सोरेन वहीं से ही हमें जो है पहली बार जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे? तो सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई है कि सर्किट हाउस में जब सत्ताधारी विधायकों की बैठक होगी, सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक होगी, तो क्या हेमंत सोरेन वहां उपस्थित होंगे? ये बताया जा रहा है कि वही लगातार विधायक ठहरे हुए हैं, तो हो सकता है कि 2 बजे बैठक हो और देर शाम CM हेमंत सोरेन वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि कुछ विधायकों ने ये कहा था कि उन्हें कुछ जो है हल्के तौर पे बताया गया है कि CM वही आप लोगों से मिल सकते हैं। तो अब सबकी निगाहें वही टिकी हुई है कि रांची सर्किट हाउस में 2 बजे की जो बैठक होनी है, क्या वो बैठक हेमंत सोरेन की पहली तस्वीर दे पाएगी? हेमंत सोरेन वहां शामिल होंगे बैठक में? अब सबकी निगाहें वही टिकी है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा राज्यपाल की जो बैठक है, अगर उसे लेकर अपडेट हम यहाँ पर जानना चाहें दिवाकर, तो वहां पर क्या चल रहा है? ये अपना सवाल दोहराइएगा। राज्यपाल की जो मीटिंग है उसे लेकर अपडेट आपके पास क्या है? चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, मुख्य सचिव को जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट के, और DGP जो पुलिस और कानून व्यवस्था है उसके हेड होते हैं, दोनों ही अधिकारियों को वहां बुलाया गया है और राज्यपाल उनसे गहन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने कल ही कहा था कि जो राज्य की कानून व्यवस्था है उससे वे संतुष्ट नहीं है, तो अगर किसी तरीके का असंवैधानिक संकट पैदा होता है तो राज्यपाल उसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर राज्य में कुछ ऐसी स्थिति होती है, आपात स्थिति होती है, तो पहले से ही दोनों अधिकारियों के साथ मिलकर वो बैठक कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर DGP से जायजा ले रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम काज है अभी उसे चीफ सेक्रेटरी से मिलकर वो बैठक कर रहे हैं।